सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं और नेताओं की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। आज देश को आज़ादी की एक नई लड़ाई लड़ने की फिर आवश्यकता है। आज़ादी बेरोजगारी से, आज़ादी गरीबी से, आज़ादी विषमता से, आज़ादी मौकों के अभाव से, आज़ादी नफरत से, आज़ादी खोखले वादों से। 2013 में लाल किले का एक प्रारूप बनवाकर छत्तीसगढ़ में मोदी जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चुनौती दी थी कि वो खुलेआम मंच पर आकर चर्चा करें भ्रष्टाचार पर, चीन और पाकिस्तान पर, गिरती अर्थव्यवस्था और गिरते रुपये पर, किसान और रोजगार पर और पूरे देश में फैली अफरा तफरी पर। आज प्रधानमंत्री बनने के बाद पांचवीं बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो मोदी जी ने भाषण दिया है, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या वो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की इसी चुनौती को स्वीकार करने को तैयार हैं और खुले मंच पर रफेल हो या अन्य व्यापम हो उनके भ्रष्टाचार पर, गिरती अर्थव्यवस्था और गिरते रुपये पर, जिस प्रकार से चीन और पाकिस्तान भारत को घेर रहा है उस पर, जिस प्रकार से देश में मुद्दों का अभाव है उस पर, जिस प्रकार से नफरत का माहौल देश में फैला है उस पर, जिस प्रकार भाई से भाई को लड़वाने का षड्यंत्र किया जा रहा है उस पर, क्या वो चर्चा के लिए तैयार हैं? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आखिरी स्वतंत्रता दिवस का भाषण खोखला साबित हुआ, क्योंकि ना उसमें सार्थकता थी, ना प्रधानमंत्री मोदी जी ने रफेल के भ्रष्टाचार पर एक शब्द बोला, ना उन्होंने व्यापम और पीडीएस के छत्तीसगढ़ स्कैम के ऊपर एक शब्द बोला, ना मोदी जी ने चीन के द्वारा डोकलाम हो या दूसरे हमारे इलाके हों उन पर अतिक्रमण के बारे में एक शब्द बोला, ना नफरत का वो माहौल जो देश में पैदा हुआ है, भाई से भाई को लड़वाने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, जिस प्रकार से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार रहे हैं, जिस प्रकार से धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर, रंग भेद के आधार पर, कपड़े और भोजन के आधार पर लोगों में नफरत परोसी जा रही है, उस पर एक शब्द बोला। काश मोदी जी अपने आखिरी भाषण में तो सच्चाई बोल पाते, कम से कम मन की बात तो नहीं कर पाते, देश के काम की बात तो करते, क्योंकि अब अच्छे दिन तो आए नहीं, अब इस देश को सच्चे दिन का इंतजार है और वो तब आएंगे जब मोदी जी देश से जाएंगे। धन्यवाद। सर, हाउ डू यू सी ओवरऑल एज़ पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स इंडिपेंडेंस डे स्पीच टुडे इज कंसर्न्ड? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल, ए वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल फेलो सिटीजंस ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ the crores and crores of workers and leaders of the Indian National Congress. Today, there is need to fight a second struggle for independence. Independence from discrimination, independence from unemployment, independence from poverty, independence from lack of opportunities, independence from empty rhetoric and empty promises. In 2013, Modi ji had created a symbol of the Red Fort in Chhattisgarh and had challenged the then Prime Minister Dr. Manmohan Singh to an open debate on the issues of corruption, on the issues of China and Pakistan threatening the territorial integrity of India, on the issues of falling rupee and failing economy, on the issues of rampant unemployment, as also discrimination vis-a-vis the farmers and India's women. We ask you, Prime Minister Shri Narendra Modi, today, 5 years after you have taken over as Prime Minister, are you ready for a debate on these very issues with Congress President Shri Rahul Gandhi ji? Will you debate on the issue of corruption and Rafale and Vyapam and other corruption scams of your government? For you didn't utter a single word from the precincts of Red Fort on corruption. Will you debate on the state of India's farmers and the way they are plagued by rural indebtedness? Will you debate on the mob lynching that is happening under the instigation and protection of BJP leaders?
will you debate on the insecurity among India's women? For you didn't utter a word, whether on Bihar or on Unnao or on any other rape incidents that happen in the country. Will you today debate on the failing economy and falling rupee? For the rupee has hit a new low of rupees 70 and the trade deficit has gone over $18 billion. Will you today debate as to the manner in which China has occupied Doklam? They are intruding into Ladakh and they are engulfing India from all sides. Will you debate on the Pak-sponsored terrorism? Will you debate on the rampant unemployment that pervades the country? The truth is, Prime Minister, in his last address to the nation on Independence Day, on completion of his tenure, did not utter a single word that would be meaningful to the common person. People are now tired of the fake Achhe Din and are really waiting for Sachhe Din, when Modi ji will depart as the Prime Minister of the country. Thank you. Prime Minister ne kaha ki ye badlav ka ek natija hai ki duniya ke netritvkarta Bharat ke liye keh rahe hain ki soya hua haathi ab jaag chuka hai, aane wale 3 dashak tak Bharat vishv ko gati dega. Let Prime Minister not insult India and India's entrepreneurial spirit. Let Prime Minister Modi on Independence Day today not undermine Indians' contributions to the world over the last 70 years. Let Prime Minister not underestimate the spirit of India, the spirit which has given India a sense of purpose and a place of pride among the Committee of Nations. It has not happened, Mr. Prime Minister, in the last 4 years. India was always a power, and India is a power that the world reckons with, recognizes, and also adheres to when India raises and champions issues dear to humanity across the world, cutting across religion or even nations or continents. So let's not undermine the spirit of India, the strength of India, the resilience of India, the entrepreneurial spirit of India, and at the end of the day, the spirituality of India, the composite culture and cohabitative culture of this country. Let's not undermine that. Prime Minister's statement of this nature, I am myopic, parochial and uncalled for on a day like the Independence Day. कस्मे वादे प्यार वफा, ये वादे हैं, इन वादों का क्या? ये मोदी जी के लिए सही है, क्योंकि मोदी जी वादे करते हैं तोड़ने के लिए, मोदी जी स्कीम बनाते हैं ना लागू करने के लिए, मोदी जी रास्ता बताते हैं उस पर ना चलने के लिए. मोदी जी और उनकी पार्टी का रास्ता इस देश में नफरत और बंटवारे का रहा है, पर ये देश सहिष्णुता पर टिका है, ये देश प्यार पर टिका है, ये देश सद्भाव और सदाचार पर टिका है. ये देश और इस देश का हजारों हजारों साल का इतिहास और सभ्यता एक व्यक्ति के द्वारा, इसका कैरेक्टर, इसकी कल्चर नहीं मिटाई जा सकती. उनको ये समझने की ज़रूरत है, जिस दिन वो भारतीयता को आत्मसात कर लेंगे, वो भारतीयता का मतलब समझ लेंगे. धन्यवाद.